नमस्कार, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। गूगल के पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने हाल ही में 90 लाख से ज़्यादा वीडियो को रिमूव किया है। यूट्यूब के इस कदम का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ा है, क्योंकि यूट्यूब ने भारत में बने 22,50,000 से भी ज़्यादा वीडियो रिमूव किए हैं। इतना ही नहीं, बिना कारण बताए यूट्यूब ने अकाउंट भी सस्पेंड किए हैं। और अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने गूगल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और गूगल को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। यूट्यूब के इस कदम ने तूल पकड़ लिया है। याचिकाकर्ता के वकील शशांक शेखर झा ने हाईकोर्ट के बेंच के सामने अपनी बात को रखते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों का बड़ा मुद्दा है। वकील शशांक शेखर झा ने हाईकोर्ट में गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर निशाना साधते हुए कहा कि सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण किए जाने जैसा है। गूगल द्वारा यूट्यूब अकाउंट को बिना कारण गलत तरीके से सस्पेंड किया जाना गलत है। शशांक ने आगे कहा कि गूगल अपनी मनमानी कर रहा है और ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। ऐसा हर दिन भारतीय यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों के बाद अब हाईकोर्ट ने गूगल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है। गूगल और केंद्र सरकार के पास जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय है। गूगल और केंद्र सरकार से जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी। वैसे पूरा मामला ये है कि गूगल ने हाल ही में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी कि पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच कुल 30 देशों में लाखों वीडियोज हटाए गए हैं। साथ ही ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा वीडियो भारतीय अकाउंट से रिमूव किए गए हैं। भारत के बाद दूसरा नंबर सिंगापुर है, जहां 12,40,000 वीडियो रिमूव किए गए हैं। तीसरे पायदान पर अमेरिका है, जहां 7,80,000 वीडियोज़ रिमूव हुए हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिर यूट्यूब ने इतनी बड़ी कार्यवाही आखिर क्यों की है। तो आपको बता दें कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के मामले में इन वीडियो को प्लेटफॉर्म से हटाया गया है। कम्युनिटी गाइडलाइन के उल्लंघन के कारण जो भी वीडियो प्लेटफॉर्म से हटाए जाते हैं वे पूरी तरह से हट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप चाहे दुनिया की किसी भी जगह से वीडियो को खोलने की कोशिश करें तो भी वीडियोस ओपन नहीं होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। टेक और गैजेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें punjabkesari.com को।